₹15 में आटा खाइए। फिर ज्यादातर रांची के कपल्स लोग आते हैं। Hey everyone, welcome back to my another vlog। तो आज हम लोग जाने वाले हैं धनबाद से रांची स्टेशन। और आज हम लोग इस ब्लॉग को मेरा बनाने का मेन मोटिव है कि धनबाद से रांची स्टेशन के बीच में जो जो इंसिडेंट होता है, को इंसिडेंट जो कि हम लोगों को पता नहीं होता है, उस वाले चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। एंड दिस वन रांची, जो रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये बहुत ही अच्छा ट्रेन है जो कि धनबाद से रेगुलरली हमारा ट्रेन रहता है धनबाद से रांची के लिए। और इसका जो टिकट है वो ₹97 लगता है। ₹80 का टिकट दाम है और टैक्स वगैरह लेकर के ₹97 लगा, जो कि मैंने आज बुक किया था। और ये आपका धनबाद स्टेशन से 5:40 में खुलता है और आपको वहाँ 9:40 में आपको वहाँ पे पहुँचा देता है सुबह की। तो प्रॉपर टाइम से चलता, बहुत ही अच्छा ट्रेन है। चलिए ब्लॉग में बने रहे, अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जाके। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना सीट की तरफ, जो कि मेरा D8 है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये रहा मेरा D8 में सीट नंबर है 90। मैं सब कुछ बता दे रहा हूं। और ये जो ट्रेन है बहुत ही ज़्यादा लंबा है, आप देख सकते हो गाइस। तो 5 पेट्रो है ना, ये प्लेटफॉर्म वहाँ चल जाइए, ठीक है? वहाँ से मिल जाएगा, 6 खुलेगा, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ना बेटा, तो इसमें कैसे आ गए आप? हम देखता हूँ, पता ना हमको सब भैया चल गया। हाँ। हम बच्चे के इधर आ गए। आगे से जाइए, 7 है वो वाला, ये जो है ना आगे, उसमें उतर जाइएगा, ठीक है? उसी में जाइए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरा स्टेशन। गाइस सी दिस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टेशन। और अभी हम लोग खाएंगे कुछ, चलिए जल्दी से। तो गाइस देख सकते हो, ये रहा बिस्कुट एंड दिस वन, ये रहा हमारा बोकारो स्टील, बोकारो का स्टेशन। एंड अब हम लोग खाने वाले हैं बिस्कुट। कितना का दे रहा भाई बोतल? 20 का भैया। भाई रहे थे 20 का पानी बोतल। तो गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मुरी, और मुरी में गाइस बहुत ही अच्छा मिलता है चॉप। तो आई होप अगर मेरे को स्टेशन के पास मिला तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं वहां पे। और अब हम लोग जा रहे हैं आलू चॉप खाने के लिए। तो आप भी देखिए, कैसे दे रहे हैं समोसा, कैसे दे रहे हैं आलू चॉप? आलू चॉप, आलू चॉप यही रेट, 30 का 4। 30 का 4 क्या आलू चॉप? 15 में आटा खाइए, क्या करिएगा, जल्दी कराइए ना भैया चेंज। तो भाई जैसे कि देख सकते हो, ये रहा ₹15 का मोरी का माल। तो जल्दी जल्दी से खा लेते हैं हम लोग।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रांची स्टेशन, और रांची का व्यू दिखाते हैं स्टेशन का। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा हमारा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, और ये एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग को अभी 9:40 में पहुंचा दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए चलते हैं और बाहर अभी कुछ खा लेते हैं और वहाँ पे मिलते हैं। क्राउड, एक चीज़ हमको अभी नया देखने को मिला जो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रांची में 3 साल रह चुका हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि आप अगर स्टेशन के तरफ से आओगे तो एक अलग से रास्ता बन गया है जो कि डायरेक्ट आपको निकालेगा रोड के तरफ। एंड ये रहा हमारा रांची स्टेशन का मेन इंटरफेस, जहाँ से आपका टिकट काउंटर है और इंट्रेस वगैरह, जहाँ से आप जा सकते हो एंड देख सकते हो। और ये चीज़ जो फंक्शन लगा मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि एकदम ये जो है एकदम निकलता है रोड के तरफ। मैं बेसिकली 3 साल रहा हूँ यहाँ पे, बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से आपको व्यू भी दिखाता हूँ रोड का। जो कि आप देख सकते हो ये इधर से चला जाता है हमारा रांची ओवरब्रिज के तरफ, और इधर है हमारा रोड चल जाता है आपका विधानसभा और भी बहुत सारा जगह। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। 0 6 8 धनबाद से वो बंद कीजिए, मुंह बंद करके इसमें घुस जाइए। हो गया ना मैम? नहीं, मुंह कहाँ गायब लिया, मुंह खोल लिया। कहाँ यहाँ? अच्छे से लगा दीजिए, पता नहीं चला। थैंक यू, हो गया ना। ये रहा कोविड टेस्ट का मोहर, और वहाँ पे लग रहा था कोविड टेस्ट, तो वहाँ से एग्जिट निकलने का रास्ता है। और अभी मेरा आँख में पूरे ज़्यादा पानी, देख सकते हो गाइस। आप स्टेशन की तरफ से निकलोगे तो आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि मेरा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कम्प्लीट था, फिर भी मैंने करवाया तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। तो चलिए देखते हैं आगे। कितना ले रहे फिर सा चौका? कहाँ से यही ना चढ़े जी अभी? हाँ, अच्छा ठीक है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये हमारा रांची का नगर निगम का बस, और इन्जॉय करते हैं हम लोग बस, और बताएंगे इसके बारे में हम लोग बस से उतर के। श्री कृष्णा पार्क जो कि डोरंडा के सामने में है, और यहाँ पे ज़्यादातर रांची के कपल्स लोग आते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये है रांची का बस, जो कि इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा साइड चल के, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही टाइट है, मारने लगेगा पुलिस हमको अभी। ध्यान देना कि ये वाला जो ऑटो दिख रहा है इसके इसमें ना चढ़ करके आप या तो रांची नगर निगम वाला बस को प्रिपेयर करना, और नहीं तो फिर आप जो आपको ग्रीन कलर का पूरा ऑटो दिखे, सिर्फ ग्रीन कलर का ही रहेगा, ऊपर में येलो नहीं रहेगा, वो वाला ऑटो पे चढ़ना, तो उसमें दोनों में आपको रेट थोड़ा सा कम लगेगा। तो चलिए और आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं रांची स्टेशन से बिरसा चौक आया हूँ, तो मेरा जो भाड़ा लगा वो 10 रुपये लगा नगर निगम बस से। अगर वही मैं ये सब ऑटो को लेता तो मेरा 25 रुपये भाड़ा लगता, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर देना। टुपुदाना तक जाइए क्या? हाँ जी, हाँ। वाह, रुकिएगा। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं बस से, और अब बात करते हैं हम लोग रांची बस स्टेशन जो नगर निगम वाला बस था उसके बारे में। तो आप लोग जब भी आओ सफ़र करो तो कोशिश करो कि रांची का जो नगर निगम वाला बस उसको प्रेफर करो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा भाड़ा बचेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना कॉलेज, जो कि मैं रांची जो आया था वो मेरा कॉलेज का काम था। और ये देख सकते हो ये रहा हमारा कॉलेज, और अगर
जिन लोगों को मेरा कॉलेज का प्रॉपर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो शो कर रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंट्री कर दे। एंड ये रहा हमारा कॉलेज का अंदर का कैंपस। आज तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, जो कि 3 साल मैंने इसी रूम में बिताया है। और अभी मेरे साथ है नीरज, जिसको हम बुलाए हैं ठाकुर कुली से। और ये भी मेरे ठाकुर कुली नहीं, सॉरी ठाकुर का ठाकुर का बोलो से। और नीरज को स्पेशली बुलाया है कि उससे मिल भी लेंगे 3 साल के बाद। और ये देखिए नीरज का हाथ का मुर्गा खाएंगे हम लोग। रोहित यहाँ पे भात बनाया हुआ था। बेसिकली मैं अभी छोड़ दिया हूँ रूम, और इस वाले रूम में अभी रह रहा है रोहित। और मैं और रोहित इसी रूम में रहते थे, रोहित था मेरा जूनियर। एंड आप यहाँ से देख सकते हो बालकोनी का व्यू, बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और वहाँ पे है बिक्किल बिक्की। एंड और मैं अभी रूम दिखाता हूँ आपको। हाथ दो, चलो अबे आओ आओ। यहाँ है बालकोनी, चल भाई। दिस इज द व्यू ऑफ आवर लॉज। चलो बाथरूम। ओह नीरज का हाथ का मुर्गा खा रहे भाई। आज कौन सा दिन है बता दो। आज कोई दिन तो है, कोई पता नहीं। चलो ठीक है।